खबर। भंडारा में बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं मरीज। जिला अस्पताल में वार्ड के शौचालय में जड़ा है ताला। अस्पताल में गंदगी का आलम। भंडारा जिला अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं से मरीजों को वंचित रखने से मरीजों की कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में जिला समेत आस पड़ोस के जिले के मरीज अपना उपचार कराने आते हैं, मगर अस्पताल की कार्यप्रणाली व कर्मचारियों की लापरवाही के चलते मरीजों को काफी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीज अपनी विविध बीमारियों के चलते उपचार कराने जिला अस्पताल में दस्तक देते हैं। अस्पताल में पहले डॉक्टर की कमी के चलते मरीजों को समय पर उचित उपचार से वंचित रहना पड़ रहा है। बाथरूम में यहाँ तक कि जड़े हैं ताले। घर घर जाकर पोषक आहार का महत्व समझाए डोंगरी का कहना। भंडारा, बच्चों का सर्वांगीण विकास होने के लिए आहार लेना जरूरी है। उसी आधार पर मानव शरीर की सुदृढ़ता के लिए भी पोषण आहार का महत्व है। बच्चों को बचपन से पोषण आहार देने से उनकी शारीरिक क्षमता के साथ बौद्धिक क्षमता का बड़े प्रमाण में विकास हो सकता है। इस उद्देश्य शासन ने पोषण माह 2019 अभियान शुरू किया है। इसी अभियान के अंतर्गत प्रत्येक घर में जाकर आहार का महत्व समझाने का ऐसा आह्वान जिला परिषद अध्यक्ष रमेश डोंगरे ने किया है। चुनाव निरीक्षण ने साकोली चुनाव कार्यालय में दी भेंट। विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव निर्णय अधिकारी कार्यालय में उम्मीदवार व नागरिकी की सुविधा के लिए अनेक कक्ष शुरू कर दिए हैं। चुनाव निरीक्षक राजेश सिंह राणा ने साकोली के कार्यालय को भेंट देकर कामकाज का जायजा लिया। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। साथ ही लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।